राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आह्वान है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहला मुद्दा होगा उनका शिक्षा में सुधार। इस बार निर्मली विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है, क्योंकि इस बार अर्जुन प्रसाद मेहता ही यहाँ के विधायक होंगे। नमस्कार, आदाब, जय मूल निवासी, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं एमएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं निर्मली विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ बगल में अनुमंडल कार्यालय है, यहाँ अभी दिन भर आवाजाही लगी हुई है, क्योंकि आज निर्मली विधानसभा के रालोसपा प्रत्याशी अर्जुन मेहता जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी यदुवंश यादव जी एवं जनाधिकार पार्टी से विजय यादव जी नॉमिनेशन आज करने आए थे यहाँ पे। इसलिए दिन भर यहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में दिन भर गाड़ियाँ चलती रही, आवाजाही है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ। विभिन्न प्रत्याशियों से बाइट लिया, उनसे उनके मुद्दे जाने। तो यहाँ पे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य लेकर के मैदान में है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। अभी निर्मली विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन मेहता जी यहाँ से नामांकन दाखिल किए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अर्जुन मेहता जी रालोसपा से किन मुद्दों के साथ निर्मली विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आह्वान है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहला मुद्दा होगा उनका शिक्षा में सुधार, दूसरा मुद्दा होगा कमाई दवाई रोजगार, ये सब मुख्य मुद्दा है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। क्या माहौल अभी निर्मली विधानसभा क्षेत्र, क्या यहाँ क्षेत्र की जनता रालोसपा के साथ है? क्षेत्र का माहौल जो अभी बता रहा है वह सभी का सभी मतदाताओं मानना है मेरा, या उम्मीद है कि सभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की झोली में अपना मतदान करें। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सुपौल के युवा जिला अध्यक्ष पंकज कुमार जी, उनसे बात करेंगे। क्या माहौल है पंकज जी निर्मली विधानसभा? देखिए, सबसे पहले आपको ये भीड़ और दिखती नजर आ रही है कि लगातार कोई टक्कर नहीं है। 15 साल बनाम जो है एक जंगल राज है और सुशासन बाबू की सरकार है, दोनों विफल है। अब इस बार सिर्फ पंखा छाप ही दिखेगा और पंखा छाप की ही जीत होगी। माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर हमारे नेता माननीय अर्जुन प्रसाद मेहता जी को माला पहनाकर भेजा है, और आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार निर्मली विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है, क्योंकि इस बार अर्जुन प्रसाद मेहता ही यहाँ के विधायक होंगे। किन मुद्दों के साथ आप लोग मैदान में हैं? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी भी और अमान्य कैंडिडेट जी दोनों भी बताए हैं कि शिक्षा गिरती शिक्षा व्यवस्था है। आप बिहार में देख लीजिए, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, आपका आज GDP रेट जो है बिल्कुल गिर चुका है। सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का है कि शिक्षा में कैसे सुधार हो, उसके बाद रोजगार, दवाई, सिंचाई, इन सब मुद्दों पर लेकर के जो हमारे कैंडिडेट हमारे विधायक निजी क्षेत्र में विकास करेंगे। तो आपने अभी देखा कि निर्मली विधानसभा क्षेत्र की जनता जो कह रही है पूरी तैयारी के साथ रालोसपा उम्मीदवार अर्जुन मेहता जी के साथ, यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे अभी जनसैलाब उमड़ पड़ा है अर्जुन मेहता जी के नामांकन में। तो अब तक के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए एमएन एक्सप्रेस।